Hey guys, what's up? नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजन। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त और पहले से बेटर एकदम मस्त चकाचक। और अभी दोपहर के लगभग एक बज चुके हैं, डेढ़ बजे से मेरी क्लासेस भी हैं लेकिन अभी मुझे जाना है स्कूल। एक्चुअली स्कूल में एग्ज़ाम्स हुए थे ना, तो एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उनको उनकी करेक्शन करनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी उनके आंसर शीट्स वगैरह को मैं करेक्शन वगैरह के लिए लेकर के आऊँगा। 11th और 12th दो ही क्लास पढ़ाता हूँ और तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट करेक्शन हो जाएगा, पेपर तो मैं नहीं बनाया हुआ था। और अभी उसके बाद मैं फिर इंस्टीट्यूट भी जाऊँगा, वहाँ पे भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा अपना वर्क है जो आज मैं बच्चों को एक्सप्लेन करके आने वाला हूँ। उसके बाद से फिर मुझे आगे के लिए निकलना भी है, सारी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है और थोड़ी देर में हम लोग अपना और भी कुछ कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ रात को निकलूँ या अर्ली मॉर्निंग निकलूँ, तो वो अभी टाइम के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि कब निकलना है, तो अभी देखते हैं। और जैसा भी होगा आप लोगों को इंटीमेट करेंगे, है ना, बाकी आप लोग बने रहना एंड आई एम श्योर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा, एंजॉय करते रहिएगा। फिलहाल चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं कि अंदर का क्या माहौल है। अभी आप देख सकते हैं कि मनीषा यहाँ पर बैठी हुई है, बैठी नहीं लेटी हुई है, लेट कर रहा है, सोच रही है क्या करना है। इस अभी प्लॉट पर आया हुआ था और यहाँ पर कुछ काम इस तरीके से चल रहा है। ये देखो गाइस, मनीषा भी प्लॉट पे आ गई है, अभी सोच रही होगी कि चलो मैं भी देख ही लेती हूँ, बाद में मेरे को कब मौका मिले, बालू आके देख रही है। अरे अरे, बचपन में ऐसे ही खेलती होगी बालू गिट्टी से। ऐसे ही हम खेल रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे आँख में बालू ऐसे फेंक दिया था पूरा। अब सोचिए ऐसे मुँह, आप ऐसे हमारा वीडियो बना रहे हैं, आपके आँख में बालू फेंकेंगे कितना, आँख मेरे आँख में पूरा हमको सब उड़ा दी बालू। और तुम इधर आएगी, थोड़ा मत करो, वेस्ट हो रहा है। अच्छा लग रहा है, ये कोई अच्छा लगने वाली चीज़ है, देख रहे हो गाइस, मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट करने में तुमको अच्छा लगता है। वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, उसमें ही तो फेंक रहे हैं, और गिर जाएंगे। अब तुमको याद है अपने कान में बालू डाली थी, ऐसे यहाँ से ही डाले थे, छोटा छोटा जो बालू का है। अकड़ी क्या करने के लिए, कहाँ जा रहा है अंदर ये देखने के लिए? अकड़ी हम लोग बोलते हैं कि गिट्टी या बालू का टूटा हुआ छोटा छोटा पार्ट को अकड़ी बोलते हैं, जो कि चावल में भी निकलता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। अकड़ी है, जाके देखो छत कहाँ पे हो रहा है, उतनी ऊपर दीवार तक छत का हाइट देख लो, जाओ। तो दोस्तों अभी चलिए चलते हैं अंदर, छत की हाइट दिखाते हैं। क्या आ रहा था पता नहीं, इतना नींद क्यों आ रहा है, पर आपको आ रहा था, फिर मेरे को भी आने लगा है, जबकि आज हम सबसे लेट उठे हैं। चलो अब यहाँ पे सारी सरिया वगैरह रखी हुई है, देख लो वहाँ पे उतनी ऊपर वो हाइट है हमारे छत की, तो इस दीवार का जो उतना ऊपर हाइट है, हाँ सब जाएगा, छत होगा वहाँ पे जो ईंटा है, जो ईंट दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ छत है। अपने रूम का हाइट कितना होगा? 13 फुट। इतना नीचे होगा? क्या हो गया, ठीक आ रहा था क्या? बोल रहे हैं तो यहाँ चनक रहा है। चनक रहा है? क्यों? पता नहीं, ऐसे होते हैं। अपना इंटीरियर मस्त ऐसे बनेगा। रूम में भी झूमर लगा लेना तुम। पंखा? हाइट देखिए कितना है। घर के आगे पहले वो होता था लकड़ी वगैरह, पता हाइट ना पेगी छोटा था, तो हम इससे ना एक बार ऐसे करके हाइट ऐसे ना छूट गया, छूट गया, जोर छूट लगता है ना। पकड़ो, निकाल दिए। अरे उससे ना ये तो हाथ पे छोड़ देंगे, अभी पता है क्या तुमको छोड़ देगी करके, हाइट अपना नाप रही है कैसे, क्योंकि हम अच्छे से नहीं खड़े हैं। तुम्हारा हाइट है 5'5", 5'5" से थोड़ा कम ही होगा, 5'4" के आस, 5'5" से थोड़ा नीचे भी है। ये अपना पैर को छोड़ो, छोड़ो, हटो जल्दी, वो मिस्त्री जाना है। गाड़ी के नंबर प्लेट में थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि गाड़ी टच हो गई थी ना तो टूट गया था, तो नंबर प्लेट अभी रिप्लेस कराया और अभी आ गया हूँ
सेंटर पे। अभी चलते हैं अंदर, आज बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर भी था, देखते हैं कैसा हुआ। अभी मैं इंस्टीट्यूट से आ चुका हूँ क्लासेस वगैरह लेकर के, और अभी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी राशिद को और तनु को लेकर के आने के लिए। शाम के लगभग 4:06 हो चुके हैं, और पीछे कुछ कपड़े लिए हुए हैं और कंबल भी है, निशा दिए हुई है उसको वॉश करने के लिए, तो वहाँ पे लॉन्ड्री में दे दूंगा ताकि वो सब कपड़े वगैरह भी अच्छे से धुल जाएंगे। फिलहाल चलते हैं यूनिवर्सिटी। आज मेरे को ना चीज़ वाला वो खाने का मन कर रहा है, पेटीज। अरे यार, फिर टाइम भी मेरे गली में भीड़ ही भीड़ थे और जाते टाइम भी भीड़ ही भीड़ थे, और भीड़ों को हॉर्न से भगाया नहीं जा सकता, सबसे बड़ी चीज़ ये। एक पकड़ के डाल लो गाड़ी धीरे से, डाल लो, उनको पकड़ के डालना है तो सही में डाल लेगा। इतना बड़ा बड़ा है सब, छोटा छोटा भी है सब, छोटा छोटा भी है सब, क्या कह जाएगा, रोने लगेगा सब अपनी मम्मी के लिए, वो मर जाएगा वो कुछ दिन में। तो गाइज अभी मैं आशीष को लेके जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि कपड़े वगैरह है ना, तो मैं बोला कि चलो यार तुम भी चल चलो गाड़ी में, तो वैसे कितने भी लोग आ जाएंगे, स्कूटी पे तो एक ही दो लोग जाते हैं, तो चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहो। खोलो इधर से, इधर से तुम, तो भाई आज आशीष क्लीन शेव करा लिया, बालवा कौन सा डीएन कटवा लिया है, क्लीन शेव नहीं है वो, छोटा छोटा करवा लिया हूँ आधे नंबर पे। और यहाँ पर ये लोग बैठ चुके हैं, खुश डबल खुशी हो जाता है जब गाड़ी आता है ना। और पता है क्या होता है, देखते हैं हेडसेट की क्लासमेट देख रहा है कि नहीं। हम तो बोल दिए सब फरारी से आते हैं। सब फरारी को फरारी बोल दिए। चलो गाइस, तो छुट्टी हो चुकी है अब कॉलेज की, निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस देखिए, शाम का वक्त हो चुका है और मनीषा अभी नाश्ता मतलब खाना बनाई हुई है अपने लिए, परांठा और सब्जी, और साथ में भैया भी यहाँ खा रहे हैं। राशिद खाना खा लिया? Yes. देखिए ये दिन भर कॉलेज जा कर के रात को आके पट्टी कर लेते हैं। अरे हम सेम फाइनल पहुँच गए, आपको पता है दौड़ने में नहीं 7 फीट जंप मारे हैं, हाई जंप। 7 फीट तो तुम हाई हो, तो है सबसे लंबा है। तो मेरे से भी तो काफी तगड़े प्लेयर्स थे, थर्ड ईयर मतलब काफी अच्छे अच्छे थे, कल सबसे पंगा हुआ, देखते हैं क्या होता है। चलो तो वही जैसे ही बने रहिए आप लोग, ऐसे ही चलते हैं निशा के पास। तब निशा कुछ पैकेज कह रही थी, तुमको खौफ हो रहा है कि हम चले जाएंगे तो तुमको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। हाँ अभी आधा घंटा के अंदर, विद इन हाफ एन आवर। जैक कर रहे हो? प्रैंक ऑन अस? नो, अच्छा बात है, जाना चाहिए। वी आर गोइंग, जाएंगे और आएंगे, ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है। काम तुम्हारे प्लॉट पे काम है, फिर इंस्टीट्यूट पे बच्चे भाई, उसका एग्जामिनेशंस भी है भाई, वो अलग, ये रिस्पांसिबिलिटी भर से मेरे सर खराब हो जा रहा है। इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहना, जाना भी जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी में वो जाना पड़ रहा है, सीधे सीधे हम तो मुंह पे बोलते हैं, कोई हिडन चीज़ नहीं है मेरे मन में जो है सो। अभी एक्चुअली किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए जा रहा हूँ, मजबूरी है इन द सेंस कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है, यही मेरी मजबूरी है, क्योंकि नहीं जाने से ना मन चढ़ रहा है, तो मन को ज़्यादा चढ़ने भी देना नहीं चाहिए, उतार के रखना चाहिए जिसका उतरना चाहिए, बाकी जहाँ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो आऊँगा जल्दी बिहार, और फिर उसके बाद आप लोगों को भी पता लगेगा क्या हुआ कि नहीं। फिलहाल तो इन लोगों को खाना खाने दिया जाए, भूख नहीं लग रहा है, हदास हो गया पेट में, नहीं आज नहीं, 3-4 दिन से, 5 दिन से जा रहा है। खाओ प्रॉपरली, खाओगी टाइम से तो तुम्हारा काम जाएगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर में सब पैकिंग वैकिंग हो चुका है, कुछ कुछ पैकिंग अभी करना है, ड्रेसेस वगैरह लेकर के आना लॉन्ड्री से, और कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो पैकिंग वैकिंग करके निकलेंगे और रास्ते में कहीं हॉल्ट करेंगे क्योंकि लंबा ड्राइव है और कुछ कुछ काम भी है। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, और इतना सब कुछ होने के बाद मैंने बोला था कि सब ख़त्म, फिर भी कुछ टाइटल थंबनेल कुछ कंटेंट वैसा आ रहा है जो हमारे अगेंस्ट ही है, तो वी कैन नॉट हेल्प। अब जो होगा सामने से होगा, दैट वुड बी मच बेटर, है ना। हाँ गिर गया,
मंशा थोड़ा बहुत खा रही थी वो भी गिर गया। चलो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। Up in my head.